एक ओर गरीब को 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक उदासीनता के चलते बुधवार को आंधी तूफान के साथ आई बारिश की वजह से करैया मंडी में खुले में रखा लाखों रुपए का गेहूं बर्बाद हो गया। बुधवार की रात मौसम में आए बदलाव की वजह से तेज आंधी तूफान और बारिश ने कई लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था बंद हो गई और पूरा रीवा अंधेरे में डूब गया। इस आंधी तूफान की वजह से आई बारिश ने करैया मंडी में खुले में रखे किसानों के गेहूं को बर्बाद कर दिया। किसान अपना गेहूं बेचने के लिए यहां लाए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हें मौसम की मार पड़ जाएगी। किसानों के साथ हुई इस बर्बादी को प्रशासनिक उदासीनता का शिकार कहें या फिर किस्मत की मार, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये किसान अपना गेहूं बेचने के लिए मंडी में रखे हुए हैं, लेकिन उचित रखरखाव की व्यवस्था न होने से उनका लाखों रुपए का अनाज बर्बाद हो गया। अब इसकी भरपाई कौन करेगा, क्योंकि इन्हीं पैसों से कोई अपनी बेटी की शादी करने वाला था तो कोई अपने बेटे का। आपका कितना नुकसान हो जाएगा? 40 मतलब कितना? 40 क्विंटल 40 क्विंटल नुकसान हो गया।